छत्तीसगढ़ में अधिक दर पर शराब बेचने की शिकायत कई दफा आ चुकी है। इसकी शिकायत भी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हो चुकी है। मंत्री ने कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन इसका कोई असर शराब दुकान के कर्मचारियों पर होता नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि अब नाराज ग्रामीणों ने अपने तरीके से ही इन्हें सुधारने का जहमत उठा ली है। दरअसल बलोदा बाजार के सिरसा गेट स्थित सरकारी शराब की दुकान में कर्मचारियों द्वारा अधिक दर पर शराब बेचे जाने को लेकर ग्रामीण परेशान थे। उनके मना करने के बाद भी कर्मचारी मनमाने तरीके से शराब की बिक्री कर रहे थे। इसे लेकर ग्रामीणों और शराब कर्मचारियों से साफ विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते ग्रामीणों ने वहां लगाए गए बांस के झंडों से कर्मचारियों की पिटाई करनी शुरू कर दी, जिसका अब बकायदा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि यह वीडियो कब का इसका पता नहीं चल सका है। बता दें कि धरसीवा क्षेत्र के सरकारी शराब दुकानों में भी आए दिन निर्धारित रेट से अधिक शराब बेचने की शिकायतें मिल रही हैं। कुछ महापूर्व कूरा में ग्रामीणों ने इसी बात को लेकर जमकर विरोध भी किया था। हाल ही में आबकारी मंत्री कबासी लाखमा भी अपने बयानों में सख्ती दिखा चुके हैं। इसके बावजूद सरकारी शराब दुकानों में निर्धारित रेट से अधिक पर शराब बेचना बंद नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो निर्धारित रेट से 10-20 रुपए अधिक पर शराब बेचने में शराब दुकानों से रोज लाखों की अवैध कमाई होती है, लेकिन वह कहां जाती है किसी को पता नहीं है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।